कुछ डाउट्स जो आप लोगों ने भेजे थे वो डिस्कस करूंगा। कुछ सेट्स के डाउट हैं, कुछ इनइक्वालिटीज के डाउट्स हैं, कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिंग्स के डाउट हैं। इन टोटल मेरे पास 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, जो आप लोगों ने मुझे भेजे। मैंने आपको सर अटेंडेंस भी लगानी है। हाँ लगाएंगे, अटेंडेंस भी लगाएगी भाई, सारा रिकॉर्ड आ जाता है इसके साथ, अटेंडेंस लग जाती है अपने आप। बता देना सर, हम इसलिए सारा बताऊंगा तेजस। ठीक है, दूसरी चीज ये, आप लोगों को मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं एक दिन पहले रात को 10 बजे तक भेज दिया करो, क्योंकि मेरे को अपना बनाना पड़ता है, फाइल बनानी पड़ती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप मुझे 10 15 मिनट पहले, 1 घंटे पहले भेजे तो बना ही नहीं सकता मैं उस टाइम, तो शेयर कैसे करूँ आप लोगों के साथ। जैसे भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो मुझे पहले बनाना पड़ता है, और फिर वो नंबर आया है। तो भाई नेक्स्ट टाइम से एक दिन पहले, मतलब फ्राइडे रात को 10 बजे तक आपको मुझे डाउट्स भेजने होंगे। ठीक है, 1 मिनट बचा अभी भी क्लास शुरू होने में। एक कुछ डाउट आपने दिया था अराउंड 13 क्वेश्चंस थे जिसके अंदर, उसमें 2 क्वेश्चंस में ज्यादातर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। क्लास शुरू कर रहा हूँ, 2 बज गए। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बात समझ आएगी कि नहीं आई है, तभी चैट पे आप रिस्पॉन्स देना, बीच में मत देना। हर क्वेश्चन के बाद जरूर पूछूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन था कि कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था भाई। क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन की थोड़ी डोमेन देखनी होती है, क्योंकि डोमेन सेटिस्फाई करेंगे तभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। डोमेन देखने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वांटिटी है। अब स्क्वायर रूट जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस स्क्वायर रूट को वैलिड होना है, अगर इसको मतलब एक सही आंसर देना है, तो x-6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक स्क्वायर रूट ये भी है, इस स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई होना तो तब भी 10-x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बीच में क्या आएगा, एंड एंड, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना है, इसको भी सेटिस्फाई करना है। भाई कुछ वैल्यूज आ सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें पर इसको सेटिस्फाई ना करें, कुछ आ सकते हैं इसको सेटिस्फाई करें पर इसको सेटिस्फाई ना करें। पर अपन को क्या चाहिए, पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई करना है। पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाई करने का मतलब ये पूरी की पूरी चीज सेटिस्फाई हो, तो ऐसी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए जो सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। मतलब जो इससे आंसर आ रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो इससे आंसर आ रहे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, पर जो दोनों के कॉमन आंसर आएंगे वो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन दोनों का x-6 ≥ 0, 10-x ≥ 0 का कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x = 6, 10, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्योंकि 0 हो सकता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, पेपर में करने का तरीका क्या रहना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्या बोला गया था, इंटीजर्स बताने अपने को। अब इंटीजर्स अगर बताने हैं, मुझे इतना पता लग गया कि एक्स की वैल्यू 6 से लेकर 10 तक है, तो 6 से 10 तक कौन कौन से हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आप लोग डायरेक्टली इन 5 नंबर्स को चेक करके अंदर पुट करके देख लो क्या 6 सेटिस्फाई करता है इस क्वेश्चन को। अगर मैंने 6 को पुट किया तो 6-6 कितना होता है, 0। 10-6 कितना होता है, 4। कितना आएगा, 2। ये तो 0 हो गया, 0-2 कितना होता है, -2। क्या -2 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, तो 6 रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप 7 के लिए करो, 8 के लिए करो, 9 के लिए करो, 10 के लिए करो, जो जो सेटिस्फाई हो जाएंगे वो आपके आंसर में काउंट हो जाएंगे। तो उसने पूछा कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मान लो 2 नंबर सेटिस्फाई करते हैं, मान लो 9 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 10 कर, आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये तो हो गया पेपर में करने की अप्रोच, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो, ये नहीं कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने बैठ जाए। क्वेश्चन में बोला गया था नंबर ऑफ इंटीजर्स, इसमें से छांट लो, और अगर फिर भी किसी के मन में है भाई मेरे को प्रोसेस से ही करना है तो प्रोसेस देख लो भाई क्या करना है। तो इतना तो मुझे पता लग गया कि क्वेश्चन की डोमेन जो है वो क्या है, लेके 10, जिससे लेके 10 तक ही काम करेंगे। मैंने क्या किया, जो लेफ्ट साइड में नंबर था ना, मैंने क्या किया, एक एक सेकंड, चैट पे इसका मैसेज आया, 2 इंटीजर्स, देखते हैं कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक बार आप लोग पुट करके चेक कर लेना, आंसर आ ही जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक काम किया, मैं इस वाली क्वांटिटी को, मेथड बता रहा हूँ पूरा मेथड कैसे करना है, इस क्वांटिटी को राइट साइड में ले गया, इस क्वांटिटी को राइट साइड में ले गया, तो ये क्या बन गया, 1 + √10-x। ठीक, अब देखो देखो मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, इस डोमेन के लिए काम कर रहा हूँ, इससे बाहर काम नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। अब लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। साइड में एक 1 है,
और एक ये स्क्वायर रूट है, तो राइट साइड में भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड में भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट में पॉजिटिव है राइट में पॉजिटिव है, तो दोनों साइड में स्क्वायर सकता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि रूल होता है कि अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है राइट में पॉजिटिव है स्क्वायर करो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने रूल किया होगा, क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया x माइनस सिक्स, यहाँ पर आ गया वन, यहाँ पर आ गया टेन, मतलब इसका स्क्वायर किया ना पूरे का तो क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी, तो वन इस पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन माइनस एक्स प्लस टू ए बी लगा दिया मैंने, इतनी सी बात करी। उसके आगे देखो क्या हुआ, उसके आगे बात यहाँ तक पहुँच गई, जब स्क्वायर किया सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गई, ये आ गया 17 को मैं लेफ्ट में ले गया तो 2x माइनस 17 इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक, बच्चों को इस स्टेप के आगे दिक्कत आ रही थी कि क्या करना है वो बताने जा रहा हूँ मैं। चैट पे मैसेज आ रहा है अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव ये याद रखो, स्क्वायर रूट हमेशा आंसर क्या देगा, नॉन नेगेटिव। स्क्वायर रूट का आंसर या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर जीरो नंबर है तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, स्क्वायर रूट अगर कोई और नंबर हुआ तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ तक पहुँच गए हम इस स्टेप तक, अब क्या करा जाए, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर रूट है, अब मुझे स्क्वायर रूट हटाना है। अब स्क्वायर रूट तभी हटा सकता हूँ कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ, और दोनों साइड स्क्वायर तभी कर सकता हूँ अगर मुझे कन्फर्म्ड है कि दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है। मुझे तो कन्फर्म्ड नहीं है, पर अगर कन्फर्म्ड नहीं है तो पर मैं फर्दर अपनी मर्जी से दो केसेस तो बना सकता हूँ। इतना मुझे पता है कि राइट साइड पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव, राइट साइड ग्रेंटेड पॉजिटिव है, पर लेफ्ट साइड की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये तो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, एक्स पे डिपेंड करेगा कि आंसर पॉजिटिव देगा या फिर नेगेटिव देगा। तो केस बना लिए भाई, पहला केस बना लिया कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो मतलब 2x माइनस 17 को क्या होना पड़ेगा, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो वाला केस भी कंसिडर कर लिया समझ में। दूसरा केस 2x माइनस 17 क्या हो, लेस देन जीरो, मतलब लेफ्ट साइड क्या हो, नेगेटिव। भाई अगर मैंने लेफ्ट साइड को नेगेटिव मान ही लिया है पर राइट साइड तो गारंटेड पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव, कैसे कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। ये वाला केस तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा कि अगर मैं 2x माइनस 17 को लेस देन जीरो रख रहा हूँ तो लेफ्ट साइड तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव, नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। केस कौन सा बचा, सिर्फ एक ही केस बचा, ये वाला कि लेफ्ट साइड को माना, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना तो एक्स का मतलब, चैट पे मैसेज, मेरी स्टेप समझ नहीं आया कौन सा स्टेप भाई। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस स्टेप के बाद आपको केस कंसीडर करने होंगे क्योंकि राइट साइड क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर रूट हटाना है तो आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर किया जाता है स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायर करना है तो अपन को एक चीज कंसीडर करना होगा, एक चीज कंसीडर करना होगा कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तभी स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि राइट साइड तो हमेशा पॉजिटिव ही है, लेफ्ट साइड डिपेंड करेगी कि एक्स पे कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो मैं दो केस मान के चल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तो मैंने किया कि लेफ्ट साइड अगर नेगेटिव है, लेफ्ट साइड अगर नेगेटिव है क्योंकि कुछ कुछ एक्स पुट करूंगा यहाँ पे तो लेफ्ट साइड नेगेटिव आएगी, पर यहाँ पर एक्स पुट करने पे तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। लेफ्ट साइड अगर नेगेटिव आ रही है, कब आ रही है, जब ये केस कंसिडर कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव बना दी मैंने पर राइट साइड तो पॉजिटिव है तो ये चीज तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो मतलब 2x माइनस 17 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 17 बाई 2 अगर हुआ, एक्स अगर x की वैल्यू अगर 17 बाई 2 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो। तो अपन क्या काम करेंगे, अब इस वाले केस के लिए करेंगे जब 2x माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू 17 बाई 2 से इक्वल या बड़ी है, इसके होगा लेफ्ट साइड या तो 0 हो रही होगी या फिर पॉजिटिव हो रही होगी क्योंकि x की वैल्यू 17 बाई 2 से बड़ी या इक्वल रखी गई है, ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। तो इसके लिए लेफ्ट साइड क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है या फिर जीरो हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब जब दोनों साइड स्क्वायर करा तो यहाँ का स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स बनाओ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसकी यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। और ये मैं स्क्वायर कब कर पाया था, एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 17 बाई 2 थी, जब एक्स की वैल्यू 17 बाई 2 थी तभी मैं स्क्वायर कर पाया था। इससे जो भी आंसर आएंगे आपको चेक करना है वो इस रेंज में लाई करे, जो भी आंसर इस रेंज में लाई करेंगे आप उसको रख लोगे। पर फिर भी एक चीज का ध्यान रखो, वो चीज क्या है आपकी, स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन में एक डोमेन कंसिडर करी थी, डोमेन क्या कंसिडर करी थी कि x की वैल्यू है जो 6 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए,
इसकी वैल्यू 6 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। तो मैंने फर्दर दो केस बनाए, दो केस बनाने के बाद मैं एक आंसर पे पहुंचा। वो आंसर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है आपको वो आंसर, इस केस से 17/2 से तो बड़ा हो पर 10 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि डोमेन में क्या था 10 या 10 से छोटा। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ से आएगा। चैट पर तो बात समझ आई? मैंने क्या बोला, स्क्वायर करने के बाद जो दो केस कंसीडर किए थे मैंने दो केस कंसीडर किए थे, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, दो केस जो से मैंने कंसीडर किए ये वाले किए हैं ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। जब मैंने लेफ्ट साइड को नेगेटिव माना तो नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव हो नहीं सकता, तो ये केस मैंने हटा दिया। फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पॉजिटिव माना, अगर लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना राइट साइड तो है ही पॉजिटिव, तो स्क्वायर कर सकता हूँ। जब मैंने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव माना तो एक कंडीशन के अंदर माना कि ये वाली कंडीशन कि x की वैल्यू 17/2 से बड़ी होनी चाहिए तभी लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो गई राइट साइड तो पॉजिटिव है ही, तो मैं अब दोनों का स्क्वायर कर सकता हूँ, फर्दर आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। इस टाइप से बढ़ने के लिए मेरे को स्क्वेयरिंग जरूरी थी, और स्क्वेयरिंग के लिए मुझे लेफ्ट साइड का पता होना चाहिए था पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव होता नहीं है, पर लेफ्ट साइड अगर पॉजिटिव है तो मैं स्क्वेयर कर सकता हूँ। पर जब पॉजिटिव हो रही है वो कब हो रही है, जब एक्स की वैल्यू 17/2 से बड़ी है। जब एक्स की वैल्यू 17/2 से बड़ी थी तो मैंने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वेयर किया, दोनों साइड का स्क्वेयर किया, तो मेरी इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन बन गई, यहाँ तक पहुंच गए। इसको सोल्व करेंगे, अब इससे एक्स की वैल्यू आएगी, पर वो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7/2 से बड़ी होनी चाहिए, वही वाली वैल्यू रखेंगे अपन, क्योंकि हमने ये स्टेप कब कर पाए, जब ये चीज सेटिस्फाई हो रही थी। जब ये चीज सेटिस्फाई हो रही थी इससे जो आंसर आए तो जो आई करेंगे वही वाले रखूंगा, पर x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि डोमेन मेरी कहां से कहां तक डिफाइन थी, 6 से लेके 10 तक। तो ये स्टेप्स हैं, एक बार आप रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, दोबारा क्वेश्चन को दो बार देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्क्वेयरिंग स्टार्टिंग में भी कर सकते थे बिना वैल्यूज आर एच एस लेकर, स्क्वेयरिंग पहले स्टेप पे तो की थी भाई, दो बार स्क्वेयरिंग करनी पड़ी ना इस क्वेश्चन में, दो बार स्क्वेयरिंग करनी पड़ी, एक पहले स्टेप में तो करी हमने यहाँ पर राइट साइड में ले जाके। ये देखो इस क्वांटिटी को जब मैं राइट साइड में लेके आया यहाँ पे तो स्क्वेयरिंग करी थी, पर आगे भी जरूरत पड़ी ना स्क्वेयरिंग की, दो बार स्क्वेयरिंग की जरूरत पड़ी। देखो पेपर में वही वाला आप करना काम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने यहाँ से डोमेन निकाल ली, डोमेन आपकी आप कितनी आ गई, 6 से लेके 10। अब क्वेश्चन में पूछा गया था बताओ कौन से इंटीजर इसको सेटिस्फाई करते, अब इंटीजर तो 6 से लेके 10 तक कौन कौन से होते हैं, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है और 10 होता है। अब ये 5 ही इंटीजर पे आपको काम करना, बारी बारी करके एक एक नंबर इसी क्वेश्चन में पुट करो, देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। शायद इसमें सिर्फ 10 ही सेटिस्फाई करता है और कोई सेटिस्फाई नहीं करता। नंबर ऑफ इंटीजर, सर जब केस 2 होता है हम ये लिखें x बिलोंग्स टू रियल, ऐसा क्यों? मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में अभी, बाकी वीडियो दोबारा देखना आएगी, आगे बढ़ना है मेरे को थोड़ा सा, ठीक है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को, एक बार वीडियो दोबारा आएगी दोबारा सुनना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस करने हैं सर। अरे आईआईटी के पेपर में, आईआईटी जेई मेंस के पेपर में जब आता है तो छोटे छोटे तरीके भी अपनाने पड़ते हैं ना बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कह रहे कि ये वाली चीज है। अब देखो अब फिर से स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो भाई ध्यान देना, पहले डोमेन डिफाइन करनी है, डोमेन डिफाइन करनी है, रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी वो हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुआ, तो इसका मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। भाई मतलब इस क्वेश्चन पे आप काम तभी करो, x की वैल्यू 3 है, 3 से छोटी पुट करोगे, मतलब x की वैल्यू 4 नहीं पुट कर सकते, 5 नहीं पुट कर सकते, 6 नहीं पुट कर सकते। क्यों? जब x को 4 पुट करोगे तो 3 - 4 रूट के अंदर कितना है, -1, ठीक। तो भाई ये तो रियल नंबर नहीं हुआ, हम जितना भी काम कर रहे हैं रियल नंबर के ऊपर कर रहे हैं, रूट के अंदर -1 आना एक रियल नंबर नहीं कहलाता। तो अपन जो कर रहे हैं रियल नंबर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पहले डोमेन स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो x की वैल्यू जो 3 या 3 से छोटी होगी तो ये एक रियल बनना, ये रियल नंबर बनेगा, नंबर ये बनेगा, वही नंबर ये बनेगा, क्योंकि दोनों की शक्ल सेम है, दोनों की फोटो सेम है। तो x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी जब पुट करोगे तो ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहा होगा। अब जब ये नंबर सेम है तो काम क्या करोगे, इस नंबर और इस नंबर को काट दोगे। जब इस नंबर को काटा तो क्या आ गया, x greater than equal to 3 आ गया। तो आपका आंसर आ गया x greater than equal to 3। पर आपने काम कब किया, इस चीज को कब काट पाए थे, इस चीज को काट पाए थे जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी थी। पर फिर सोल्व करके आंसर तो आया कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी पुट करो सेटिस्फाई करेगा। पर भाई वो कह रहा है कि क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो, और सोल्व करके आ रहा है कि x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी पुट करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों का अगर मैं कंसीडर करूं तो क्या ही कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है x = 3।
कि x इक्वल टू 3 ही एक ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो क्या x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी पुट करते हो तो ही डोमेन स्पेसिफाई, तभी डोमेन सेटिस्फाई हो पा रही है. तो क्या आंसर आ गया x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, 3 से बड़ा पुट करते तो डोमेन ही स्पेसिफाई होती है उसकी, वैलिड नहीं होती. तो एक चीज करना गलत है. तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आया, दोनों में पार्ट आया x = 3. तो x = 3 इसका आंसर होगा. चैट में बताओ बात समझ आई, जल्दी बताओ फटाफट रिस्पॉन्स दो, सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए. ठीक है, तो देखो भाई सबसे सही बात ये होती है क्वेश्चन को करने की, आप पहले डोमेन को स्पेसिफाई करो. डोमेन स्पेसिफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो, काम खत्म. इसे ज्यादा नहीं सोचना. अगर इंटीजर की बातें कर रहे हैं तो आपको थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन करना है तो आप इंटीजर के बारे में सोचना शुरू कर दो. अगर कोई जैसे पहला क्वेश्चन किया ना क्वेश्चन नंबर 7, तो इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करो थोड़ा बहुत. देखिए ट्रिक सीख जाओगे आप जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था भाई ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. देखो भाई इस क्वेश्चन में फिर से क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके उसी असाइनमेंट का ही है, ऑप्शन में कोई भी आंसर ठीक नहीं था इसका. ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू क्या पुट करूँ लेफ्ट साइड में, कह रहा है कि लेफ्ट साइड में x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि आंसर लेस देन 0 आए. मतलब लेफ्ट साइड 0 से छोटी, मतलब लेफ्ट साइड क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. अब काम करने से पहले तो मैं क्या करूंगा, डोमेन स्पेसिफाई करूंगा. डोमेन में क्या है, ये तो x²-4 है, इस पे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. कुछ भी दुनिया का x पुट करो, एक बाइनोमियल है ये तो हमेशा आंसर देता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती. दिक्कत किसमें होती है, स्क्वायर रूट के अंदर दिक्कत होती है. ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर मैंने बोला था आपको स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए. पर ध्यान से देखो मैंने इसकी डोमेन में क्या लिखा, x²-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मैंने इक्वल नहीं लिखा यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर लिखा. इक्वल क्यों नहीं लिखा, अगर मैं कहता हूँ कि x²-1 की वैल्यू 0 भी अलाउड है, अगर 0 अलाउड कर दिया तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, 0. तो 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0. तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, 0 × x²-4, वो कितना हो जाएगा, 0. क्या 0 < 0 वैलिड चीज होती है, नहीं होती. तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई मैं इस केस में स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है यहाँ इक्वल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन की डोमेन भी तो हम चेक करें. हम नहीं चाहते कि लेफ्ट साइड 0 आए, लेफ्ट साइड 0 आ गई तो मतलब 0 < 0 बनेगा, तो 0 करने का तो कोई मतलब नहीं है. ये बात ठीक है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है 0 या 0 से बड़ा अलाउड होता है, पर मैं पूरे क्वेश्चन को भी तो एक बार नजर अच्छे से देखूं. क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि लेफ्ट साइड जो है 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए. तो फिर मैं ऐसा काम करूं ही क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को 0 बनाऊं. स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को 0 हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो लेफ्ट साइड तो 0 बन जाएगी, एंड 0 इज नॉट लेस देन 0, तो काम करना वेस्ट हो जाएगा अपना. तो बेटर ये है कि हम क्वेश्चन को भी एक तरफ देखें कि क्या पूछा गया, फिर डोमेन की तरफ नजर डालें, फिर आगे बढ़े. तो इस केस के अंदर x²-1 सीधा मैं ग्रेटर देन 0 लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है. अगर यहाँ पर इक्वल होता तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख देता, क्योंकि फिर तो लेफ्ट साइड 0 आ जाए तो अपने को चलेगा. तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. तो x-1 अगर ग्रेटर देन 0 है, ये तो आपको सोल्व करना आता ही है वे भी कर से, तो x की वैल्यू आती है −∞ से −1 यूनियन 1 से ∞. इतनी बात क्लियर हुई. अब पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, जब जब x की वैल्यू ये पुट करूंगा, मतलब जब जब x²-1 > 0 होगा, ये नंबर जो ये नंबर तो पॉजिटिव हो चुका हुआ है, ये कभी भी 0 नहीं हो रहा होगा. मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि x²-1 > 0 होना चाहिए, मतलब यही नंबर है जो डोमेन के नंबर होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू मैं सिर्फ यही पुट कर सकता हूँ. तो ये भी बात होगी, जब जब मैं x की वैल्यू ये पुट करूंगा, ये वाली क्वांटिटी हमेशा डिफाइन होगी, ये क्वांटिटी हमेशा डिफाइन होगी, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा, ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा होगा, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा होगा. तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को इस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है. ये पॉजिटिव क्वांटिटी कब है, जब मैंने x की ये वाली डोमेन मानी, जब जब x की वैल्यू ये होगी, ये वाला आंसर पॉजिटिव होगा. अब ये वाला नंबर पॉजिटिव है तो मैं पूरी इक्वेशन की इनइक्वालिटी को इस नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, और ये एक पॉजिटिव नंबर है, पूरी इनइक्वालिटी को इस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये रूल था कि पूरी इक्वेशन को इनइक्वालिटी को अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब क्योंकि मैं ये चीज तो कंसिडर कर ही चुका हूँ, ये चीज ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू वाली कंसीडर कर रहा हूँ, जब x की वैल्यू ये कंसीडर कर रहा हूँ, मेरे को पता चल चुका है कि आंसर हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. अब ये चीज पॉजिटिव आ रही है तो पूरी इक्वेशन को इस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ. मैंने इसको डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड से तो ये वाला नंबर हट जाएगा,
और जब जीरो के नीचे भी ये नंबर गया तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो लेफ्ट साइड क्या बचेगी ये। अब इसको किया तो एक्स की वैल्यू आई माइनस टू से लेके टू, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आना चाहिए माइनस टू से लेके टू, पर मैंने तो बोला था कि भाई एक्स की वैल्यू तो आप ले सकते हो, एक्स की वैल्यू आप यही पुट कर सकते हो। अब देखो डोमेन तो ये है और आंसर निकल के आ रही है, अब मैं क्या करूंगा, जो आंसर इस डोमेन के अंदर लाएगा वही मेरा आंसर होगा, जो आंसर मेरा निकल के आया जो इस डोमेन में लाई करेगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट, डोमेन के आर पार आप काम नहीं कर सकते, आपको वही आंसर लेने पड़ेंगे जो इस डोमेन के अंदर आएंगे, ठीक। तो अब मैं चेक करता हूँ कौन कौन से आंसर इसमें लाई कर रहे हैं, पहले मैं डोमेन प्लॉट करता हूँ और फिर जो आंसर आए देखो, ध्यान से माइनस वन से लेके माइनस इंफिनिटी और से लेके इंफिनिटी, ये है डोमेन का हिस्सा, और जो आंसर आए माइनस टू से लेके टू वो आए, ये आंसर आए माइनस टू से लेके टू। अब खुद ही देखो ये वाली चीज सारी क्या है, डोमेन और नीचे जो आंसर लेके आए ये, दोनों में कॉमन हिस्सा कौन सा दिख रहा है, दोनों में कॉमन हिस्सा दिख रहा है इतना, यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये, आंसर हो जाएगा माइनस टू से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके टू। अब क्वेश्चन में पूछा गया था बताओ कितने इंटीजर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो माइनस टू से माइनस वन में तो कोई इंटीजर नहीं होता, वन से लेके टू में भी कोई इंटीजर नहीं होता, तो भाई कोई भी इंटीजर ना आया यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो इंटीजर सेटिस्फाइज द गिवन क्वेश्चन और गिवन इन चैट पे बता दो बात समझ आई, ये सुनो भाई यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट नहीं है, अगर क्लोज ब्रैकेट होती तो आंसर माइनस टू भी होता, माइनस भी होता, वन भी होता, टू भी होता, तब चार होते, पर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ रहा हूँ, इंटीजर कैसे नहीं है, भाई इंटीजर इसलिए नहीं है क्योंकि माइनस टू से लेके माइनस वन के यहाँ पे देखो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में भाई माइनस टू से माइनस वन में कोई इंटीजर आता ही नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली वन से लेके टू में भी कोई इंटीजर नहीं है, पारस बात समझ आई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसको कोई डाउट रह गया ये वीडियो यूट्यूब पे दोबारा से आएगी, एक बार आप सुनना, आगे क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर एंड में टाइम बचा तो फिर से मैं आपके क्वेश्चंस कवर करूंगा आखिरी के 5-10 मिनट में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था हर्षित, हाँ इसका आंसर जीरो होगा, ठीक है। अब देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज के दो दिन मेरे को क्वेश्चन बोले सोल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन था यूजिंग प्रॉपर्टीज, कह रहा है कि यूजिंग दी प्रॉपर्टीज लेफ्ट साइड है जो प्रूव करो एक एक को लाएगी, ठीक है। अब देखो फिर से मैंने बोला था जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12, वो ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ स्कूल में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप स्कूल के लिए जितनी प्रैक्टिस चाहिए वो बस आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 2-3 बार लगा लो, उतना सफिशियंट है, उसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप एक बार करो, ट्राई करो, थोड़ा दिमाग खुलेगा तो अच्छे से कर पाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है ये वाला, ठीक है। यूजिंग दी प्रॉपर्टी, अब ध्यान से देखो लेफ्ट साइड दिया हुआ है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अब मुझे प्रॉपर्टीज लगानी है। अब ध्यान से देखो इस ए को मैंने क्या लिख दिया, लिख दिया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, मान लो एक को यूनिवर्सल सेट होगा अपना, उसके अंदर एक सेट ए होगा एक सेट बी होगा, ठीक है। मैंने इस ए को क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट, मुझे पता है कि ए सेट का और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कितना होता है, ए ही होता है। तो क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर्टीज लगाने के लिए मैंने ये स्टेप किया, ठीक है। इस ए को लिख दिया ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, एक बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर ये यूनियन तो था ही यहाँ पर, इस यूनियन को यहाँ पर रहने दिया, ये वाली ब्रैकेट को फिर से मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, ठीक, इतनी सी बात होगी। अब ध्यान से देखो ये वाली जो चीज है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है साफ साफ, इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, देखो आपको यहाँ से ये देखना आता होगा अच्छे से, पर इस स्टेप से ये स्टेप लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर आप ये देख लोगे क्वेश्चन को तो आपको बात समझ आ जाएगी। देखा ध्यान से देखो, अगर जो मैंने ये वाली चीज लिखी है इस पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता तो ये वाला स्टेप ही आता कि ए का इंटरसेक्शन पहले यूनिवर्सल सेट के साथ लूँ, फिर बीच में यूनियन आएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ आएगा। तो ये वाला जो स्टेप लिखा हुआ है इस स्टेप को मैंने ऐसे लिखा, ये वाली चीज इक्वल टू ये होती है, पर मैंने क्या लगाई, ये वाली चीज इसके इक्वल, इतनी बात समझ आ गई होगी।
एनी अदर सर, इससे इजी भी है, स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो। पर अगर हम इधर ही स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड लोन लगाएंगे तो थोड़ा हमें वेन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उस वेन डायग्राम का यूज करने से क्या होगा, वो प्रॉपर्टी से सोल्व नहीं किया फिर हमने। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा का पूरा 100% प्रॉपर्टी से सोल्व कर रहा हूँ, वेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी यूज करते मेरे को फाइनल आंसर पे पहुंचना है, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया क्वेश्चन में यूजिंग दी प्रॉपर्टीज। अगर मैं यहीं पर ही सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव लाता तो एक स्टेप ऐसा आता है जहां पे मुझे थोड़ा वेन डायग्राम से सोचना पड़ता है उस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी का नाम लिखना होता है पेपर में डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए सेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये क्या होता है ए, ठीक। सॉरी मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो यहाँ पर। अब बताओ यूनिवर्सल सेट का यूनियन बी के साथ कितना होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। यूनिवर्सल सेट का यूनियन बी के साथ कितना होगा, यूनिवर्सल सेट। अब ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या होगा, ए। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली तो क्या बनता हो, ए यूनियन ए, ठीक। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये करते फिर लेफ्ट साइड में क्या आता, ए आ जाता। फिर आप करते इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। सोचने में तो साफ साफ लग रहा है कि इसका आंसर ए आना चाहिए, पर प्रॉपर्टी से कैसे बताओगे कि ये चीज ए आ रही है, ये प्रॉपर्टी से नहीं बता पाओगे। आपको वेन डायग्राम थोड़ा सा शो करना पड़ेगा, अंडरस्टूड तो है कि ये चीज ए के इक्वल है, वेन डायग्राम से दिखेगी, पर प्रॉपर्टी से फर्दर प्रूव करना है ना अपने को, तो प्रॉपर्टी से एग्जैक्ट प्रूव करना है तो ये मेथड रहेगा। चैट बात समझ आई, यस और नो? जो कह रहे थे कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी मैकबुक पूछ रहा है, आपका नाम अमित मोहिंद्रू है? मेरा नाम अमित मोहिंद्रू है भाई। आप किसी ने मेरे को पूछा था कि भाई स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, मैंने उसको रीजन दिया अपना, वो एक बार बता दो मजाई कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते तो एंड में वेन डायग्राम का यूज पड़ता। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने इस ए को ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो उसके बराबर ही है। ये चीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट साइड से लेफ्ट साइड। आपको यहाँ से यहाँ पे लगाना आता है, पर यहाँ से देखना नहीं आता होगा अभी, पर अब देखना शुरू करो कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब मैंने ये लगाया तो ये आ गया, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट का यूनियन बी के साथ यूनिवर्सल सेट, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कितना आ जाएगा, ठीक। यस और नो, चैट पर रिस्पॉन्स दो फटाफट। सर बट अंडरस्टूड भी है, हाँ पारस वो अंडरस्टूड है, तो वो साफ साफ बोलेगा भाई मेरे को अंडरस्टूड करवा के दो, वो वेन डायग्राम नहीं बना पाओगे, वो प्रॉपर्टीज बोलेगा साफ साफ कि प्रॉपर्टीज से ही एक एक स्टेप करना है, उस केस में वो दिक्कत आ जाएगी। पर अगर पेपर में नहीं हो रहा तो वेन डायग्राम ले आओ, स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो रिक्वायरमेंट है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा काम करोगे, ठीक है। बाकी तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ब्रो इसके वेन डायग्राम से नहीं कर सकते भाई साहब, साफ साफ क्वेश्चन यूजिंग दी प्रॉपर्टीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कर सकते हैं, पहले ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, कुछ भी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है करने की, तो पर जो पूछा गया तो वही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हर्षित तरीके बहुत सारे हैं भाई, वेन डायग्राम सबसे सही तरीका होता है करने का, पर प्रॉपर्टीज बोला गया था तो प्रॉपर्टी से किया। अब फिर कह रहे हैं कि यूजिंग दी प्रॉपर्टीज लेफ्ट साइड इक्वल टू ए प्रूव करना है। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, ये सिर्फ आपके स्कूल के पेपर के लिए मेथड्स हैं, कॉम्पिटिटिव में आईआईटी जेईई मेंस में कोई नहीं पूछेगा इन क्वेश्चंस की। 10-12 क्वेश्चन है, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, स्कूल में आएगा कर लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इन चीज़ों को, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इस टॉपिक की। राघव लेट करके भी कर सकते हैं, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है, आधे नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो लेट क्या करोगे, तब लेट नहीं कर पाओ। अगर यही क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है तो भाई आप इसको कर लो, आधे नंबर का या एक नंबर का पूछा गया तो सेट लेट कर लो, पर अगर पूछा गया 2-3 नंबर का तो आप मर्जी है जो मर्जी करो, अगर प्रॉपर्टीज बोल दिया तो प्रॉपर्टीज लगाओ भाई, ठीक है। सर एससीएल का भी तो जरूर, एससीएल क्या होता है पता नहीं क्या होता है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको करते हैं, देखो अब मैंने क्या किया, ए को यहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड को प्रूव करना है इक्वल टू ए, देखो वेन डायग्राम से 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन, पर अपन को प्रॉपर्टी से करना है, प्रॉपर्टी से लगाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक पहुंचना है,
फिर आपका मन करेगा कि यहीं पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दूं, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। पहले दो स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग जाएगा, यहाँ पे आखिरी स्टेप पे थोड़ा सा वेन डायग्राम का यूज करने की जरूरत पड़ेगी। पारस स्कूल का जरूरी है, मैं तभी तो बता रहा हूँ कि स्कूल के तरीके से मैंने करवाया आप लोगों को क्वेश्चन। ये वाला मेथड ही स्कूल वाला है, ये कॉम्पिटेटिव वाला नहीं करा रहा मैं, ये स्कूल वाला मेथड है आपका जो स्कूल में करोगे आप, ठीक है, तभी करा रहा हूँ ये। अगर कॉम्पिटेटिव कराना होता तो मैं एक सेकंड में सेट को लेट करता और वेन डायग्राम बनाता, काम खत्म। ये कराई मैं आपके स्कूल के लिए कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ए को लिखा ए यूनियन फाइव, क्योंकि ए और फाइव का यूनियन क्या होता है, ए ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए यूनियन बी तो दिया ही, वो बीच में इंटरसेक्शन। अब फिर से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी आपको आती है। अब मैंने यहाँ से यहाँ पे लगाई तो ये बन गई। अब मुझे बताओ फाई और बी का इंटरसेक्शन कितना होता है, फाई और बी का इंटरसेक्शन कितना होता है, फाई होता है, ठीक। ए यूनियन फाई कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। देखो सेट मेथड है, इन क्वेश्चन को करने का तरीका है, अगर प्रॉपर्टी से बोला जाएगा, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया पेपर में, आपको पूरी फ्रीडम दे दी, तो भाई लेट कर लो या वेन डायग्राम कर लो। सेकोमेटी में जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है ऑप्शन के अंदर लेता है, तो आप तो सेट को लेट करके वेन डायग्राम को लेट करके कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये वाला लेफ्ट साइड ये दी हुई है, इक्वल टू प्रूव करना है ये, ठीक। अब मैंने देखो, मैंने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे डिफो सेट है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे b माइनस a है, सब्ट्रैक्शन वाली चीज में यूनिवर्सल हो, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता। तो अब एक काम करते हैं, इस b माइनस a का पोर्शन का मतलब क्या है, b माइनस a का मतलब क्या होगा, लेफ्ट वाला सर्कल a का है, राइट साइड वाला b का है, तो b माइनस a ये हो जाएगा। इस b माइनस a को मैं क्या ले सकता हूँ, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वाले b माइनस a को मैंने लिख दिया b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि ये और ये एक ही बात होती है, ठीक भाई। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर पेपर में मेंशन प्रॉपर्टी से करना है तो प्रॉपर्टी से करोगे, वेन डायग्राम से लिखा है तो वेन डायग्राम से करोगे, कुछ भी नहीं लिखा तो फिर अपनी मर्जी से कुछ भी करो, सिंपल सी बात है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है सेट लेट करके तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम वेन डायग्राम बनाओ, प्रॉपर्टीज का यूज करो, अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो सेट लेट करके काम खत्म कर देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बी माइनस ए को लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैंने लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर से इस स्टेप पे ए का यू बी के साथ कर दिया, बीच में आया इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, फिर ये तो इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी यहाँ पर आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब खुद ही बताओ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या होगा, ए यूनियन बी ही होगा। आप लोग ऐसे कर सकते हो भाई, इस इन क्वेश्चंस की ज्यादा टेंशन मत लो, मिक्स भी कर लेना पेपर के अंदर, वेन डायग्राम बना देना, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर सेट्स का लास्ट के कुछ स्टेटमेंट सम्स भी करा दो प्लीज। अभी देखो भाई, मैंने कहा था मेरे को आप पहले भेज देते तो मैं वो वाली फाइल बना लेता उस टाइम, मैंने अभी वही डाउट्स कवर कर रहा हूँ जो मेरे को भेजे गए हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने बोला है फ्राइडे रात को 10 बजे सारे डाउट्स आप लोग भेजो तो उतने मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। थोड़े में पहले आपको रिलेशन से क्वेश्चन कराता हूँ, सर सेट्स का लास्ट कुछ सम्स भी करा देना, ओके ठीक है। अच्छा चैट में बताओ अभी तक सारे क्वेश्चन समझ आए, यस और नो, आगे बढ़ने से पहले अगर यस और नो लिख दो, समझ आ रहा है, फटाफट सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं कुछ रिलेशन से करा रहा हूँ डोमेन रेंज से रिलेटेड, क्वेश्चन दिया हुआ ये कह रहे गिवन अ रिलेशन आर, आर कौन सी फॉर्म में दिया आपको, सेट फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर ऑर्डर पेयर क्या आएगा, एक्स कोमा वाई, ठीक है।
x कहां से बिलोंग करता है w से, w माने होल नंबर, y भी कहां से बिलोंग करता है w से, पर अंडर अ गिवन कंडीशन, अंडर अ गिवन कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 25। इतना आपको याद रखना है कि आप x को क्या करते हो होल नंबर पुट कर सकते हो, y को भी क्या पुट कर सकते हो होल नंबर पुट कर सकते हो, पर इस ऑर्डर पेयर के अंदर x और y वही वाली नंबर एंट्री ले सकते हैं जो कि होल नंबर हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार चैट पे पढ़ लें कुछ। 8.10 ठीक है भाई हर्षित, सही है, समझ गया। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब बताओ ऐसा x और ऐसा y पुट करो कि आंसर क्या है 25, और x y क्या पुट कर सकते हो आप होल नंबर। ठीक, अब ध्यान से देखो, x की शुरुआत कहां से कर सकता हूं, 0 से, x को 0 पुट कर सकता हूं, x को 1 पुट कर सकता हूं, x को 2 पुट कर सकता हूं, x को 3 पुट कर सकता हूं, x को 4 भी पुट कर सकता हूं, x को 5 भी पुट कर सकता हूं, x को 6 नहीं पुट करूंगा, x को 6 नहीं पुट कर सकते, 7 पुट नहीं कर सकते, x 6 और 7 भी होल नंबर है पर पुट नहीं कर सकता हूं। जैसे ही x को यहां पे 6 पुट करूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 में y स्क्वायर ऐड होगा, तो सबट्रैक्ट नहीं हो रहा, y स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 36 में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो उसका 25 से ज्यादा आएगा, तो इसलिए x को 6 नहीं पुट कर सकता। सिमिलरली x को अगर मैं 7 पुट करूंगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में y स्क्वायर ऐड करूंगा तो 49 या उससे ज्यादा आएगा, 25 नहीं हो सकता, क्योंकि 49 में से कुछ घटाना पड़ेगा तभी 25 आएगा, पर y स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए x को 0 से लेके 5 तक ही पुट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, पांच भी नहीं पुट कर सकते फिर तो नहीं करेंगे पुट। अभी ध्यान से देखो, जब ये मैंने एक टेबल बनाया, x पे 0 पुट किया, फिर देखता हूं y को क्या आएगा। जैसे ही मैंने x को यहां पर 0 पुट किया, एक सेकंड रुको मैं पुट करके दिखाता हूं, ये देखो, अगर मैंने इस इक्वेशन में x को 0 पुट किया, x को जैसे ही 0 पुट किया तो y स्क्वायर कितना बन जाएगा 25, जैसे ही y स्क्वायर को मैंने 25 पुट किया तो y की वैल्यू क्या-क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी और एक -5 आ जाएगी, तो y को मैं क्या रखूंगा 5 रखूंगा, -5 रख नहीं सकता क्योंकि y क्या है होल नंबर, y क्या है होल नंबर, -5 में होल नंबर नहीं होता। फिर मैंने क्या किया, x को 1 पुट किया, जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में x को 1 पुट किया, तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पे x को 1 पुट किया तो 1 क्या हो जाएगा राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में गया तो राइट साइड कितनी बन जाएगी 24, तो y स्क्वायर इक्वल टू 24 को जब सॉल्व करोगे तो एक होल नंबर नहीं आएगा, एक इंटीजर नहीं आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, y इक्वल टू रूट 24, तो y x पे जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही। फिर क्या किया, x को 2 पुट किया, जैसे ही x को 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, y स्क्वायर कितना बन जाएगा 21, y स्क्वायर इक्वल टू 21 को भी जब सॉल्व करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 21 को भी जो सॉल्व करोगे तो y होल नंबर नहीं आएगा, तो x इक्वल टू 2 के लिए y कुछ भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, उसके बाद जब x को 3 पुट किया, जब आपने x को 3 पुट किया तो देखो क्या होगा, x को जैसे 3 करते हैं तो ये कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 16, y स्क्वायर इक्वल टू आया 16, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 एंड -4, पर y को मैं क्या रखूंगा सिर्फ 4, क्योंकि -4 रख नहीं सकता, y को क्या होना पड़ेगा होल नंबर। सिमिलर में x को पुट किया 4, जब x को 4 पुट किया, x को 4 पुट करने से क्या होगा बताओ, x को 4 पुट किया तो राइट साइड में क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 यहां पर जाएगा तो 25 में से 16 गया तो कितना आया 9, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9 कितना होगा, y इक्वल टू 3 एंड -3, तो y को रखूंगा 3, -3 रख नहीं सकता, y इज होल नंबर। लास्ट केस में जब मैंने x को 5 पुट किया, x को 5 पुट किया तो 25, 25 राइट में गया तो 0, तो y स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर इक्वल टू 0 तो माने y इक्वल टू 0। कौन-कौन से आंसर आए, एक आया 0.5, एक आया 3.4, एक आया 4.3, एक आया 5.0, तो ये चार ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन के अंदर, यही आपका आंसर होगा। चैट पे बताओ बात समझ आई, यस और नो, टोटल चार केसेस आएंगे, 0.5, 3.4, 4.3 एंड 0, ये आंसर रहेगा इसका। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब उसने डोमेन पूछी, डोमेन कौन सी होती है, पहली वाली एंट्री,
रेंज क्या होती है, लास्ट वाली एंट्री। तो डोमेन के अंदर कौन आएगा, एक ये जीरो के लिए आंसर, एक ये थ्री के लिए आंसर आ रहा है, ये फोर के लिए आ रहा है और एक ये फाइव के लिए आ रहा है। तो डोमेन का हिस्सा कौन बनेंगे, जीरो थ्री फोर फाइव, और रेंज का हिस्सा क्या बनेंगे, फाइव फोर थ्री जीरो, फाइव फोर थ्री जीरो। ठीक, ये होगी आपकी रेंज, ये होगी आपकी डोमेन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई फाइल भेज दूं आपके पास, सारे सॉल्यूशन है इसके अंदर, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर सेवन एक बार ट्राई करो, मैं आपको दो मिनट दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर ये सेवन ट्राई करो, चलो करते हैं, टाइम हो गया भाई आपको बताने के लिए। अभी एक बार रिस्पॉन्स मत करो चैट पे, एक बार मैं कराता हूँ, आप लोग खुद बताना कि आपका सही हुआ था या गलत हुआ था। ठीक, जैसे ऑर्डर पेयर के अंदर एंट्री क्या होगी, एक्स कॉमा वाई की, और एक्स और वाई इस रिलेशन को फॉलो करेंगे कि वाई शुड बी इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स की वैल्यू माइनस पांच से लेके पांच। देन फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ आर वन। आप सब दिया हुआ है कि x की वैल्यू है जो कहां से कहां तक है, माइनस फाइव से लेके फाइव तक है। ठीक, तो साफ साफ क्लियर हो गया कि भाई x तो रियल को बिलोंग कर रहा था, पर साथ में उसने बोल दिया कि x रियल तो हो पर x की वैल्यू माइनस पांच से लेके पांच तक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर पांच से लेके माइनस पांच तक है तो टू एक्स बताओ कहां तक होगा, टू एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा, पूरी क्वेश्चन में दो से मल्टीप्लाई कर दिया, दस से लेके माइनस दस जाएगा। एक टू एक्स की वैल्यू माइनस दस से लेके दस तक हो जाएगी, माइनस दस से लेके दस तक हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया टू एक्स की वैल्यू, तो क्या की है टू एक्स प्लस सेवन की, टू एक्स प्लस सेवन कैसे आएगा अगर मैं पूरी इनइक्वालिटी में हर साइड में सेवन ऐड कर दूं। जब सेवन ऐड किया तो टू एक्स में सेवन ऐड किया तो टू एक्स प्लस सेवन हो जाएगा, लेफ्ट साइड कितनी बन जाएगी, माइनस टेन में सेवन ऐड किया तो माइनस थ्री, राइट साइड में। बात क्या पता चली, x की वैल्यू दे रखी थी माइनस पांच से लेके पांच, तो टू एक्स प्लस सेवन की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, माइनस थ्री से लेके सेवन की। तो उसने बोला कि R1 में x और y की ऐसी वैल्यू वैल्यू पुट करनी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, x को रियल नंबर पुट कराओ पर x की वैल्यू माइनस पांच से लेके पांच तक होनी चाहिए, मैंने काम किया। तो उसने तो बस ये पूछा कि डोमेन बताओ और रेंज बताओ, उसने ये बोला। डोमेन तो उसने साफ साफ दे रखी है कि रियल पर माइनस पांच से लेके पांच, तो डोमेन हो जाएगी माइनस पांच से पांच, और टू एक्स प्लस सेवन क्या है y, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आई, माइनस तीन से लेके सेवनटीन, तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, माइनस थ्री से लेके सेवनटीन, रहेगी माइनस थ्री से लेके सेवनटीन तक। ठीक, ये हो जाएगा आपका रेंज, और डोमेन कहां से कहां तक हो जाएगी, माइनस फाइव से फाइव। एक बार चैट करता हूँ, बात समझ आई, ये सुन लो। उसने सिर्फ डोमेन और रेंज के बारे में पता के लिए बोला, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम से मैंने अभी कराया, ये आप लोगों को जब मैं दूंगा, पर इसके अंदर बस एक ही चीज है कि एक्स वाई इंटीजर है, ठीक है, दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का है 64 तक। अब एक्स की वैल्यू कहां तक वेरी करोगे, यहां पे 0 से लेके 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना जब मैं आपको ये मॉक्स दे दूंगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी कराया, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, ध्यान से देखो, रिलेशन है R3 जिसके अंदर ऑर्डर पेयर है जो, उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, x कॉमा मोड x, ये क्वांटिटी हमेशा आंसर कैसा देती है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव माने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लास्ट के लिए कैसे होगा, लास्ट के रेंज सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता अजय, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, रेंज में जैसे मर्जी एलिमेंट्स लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं, क्योंकि एक सेट है वो ना,
सेट ऑफ रेंज, मतलब ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करेगा, जैसा मर्जी लिख दो, 1 2 3 4 लिखो या 3 4 2 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो x कोमा मोड x, ठीक। अब इसने पूछा कि बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। x को तो कुछ भी पुट करते जाओ, x को 1 पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। x को लेकिन अगर -1 पुट करोगे तो इसका आंसर क्या है 1। x को यहाँ पे -2 पुट करोगे, ये वाला आंसर कितना देगा 2। तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, उसने सिंपल सी बात बोली है, आप भी x पुट कर रहे हो, मोड वाला वैल्यू यहाँ पे रखो, x को आपने 1 रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, x पे -1 रखा तो वहां पर कितना आ जाएगा फिर से 1, x को -2 रखा तो यहाँ पर कितना आ गया 2। तो ये वाली चीज तो हमेशा क्या आ रही है पॉजिटिव, पर x को अगर 0 रखा तो ये भी कितना आएगा 0। तो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर कभी भी सर नेगेटिव नहीं आएगा। पर डोमेन क्या आएगी, डोमेन तो आएगी ऑल रियल, कुछ भी एक्सपुट कर सकते हो, डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर -∞ टू इन्फिनिटी, रेंज कितनी आएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया होगा, ठीक है ये देखो, डोमेन उसने लिख दी ऑल रियल, रेंज लिख दी 0 से लेके इन्फिनिटी। एक बार मैसेज आंसर 0 भी लेंगे भाई, x को 0 पुट करोगे तो मोड x कितना होता है 0, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, ठीक। चैट पे एक बार बता दो ये क्वेश्चन समझ आया यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x के लेफ्ट साइड क्या हो 0 से छोटी, मतलब तो लेफ्ट साइड चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए, लेफ्ट साइड लेस देन 0 पूछा गया है, तो लेफ्ट साइड क्या पूछा गया है कि नेगेटिव आए, लेफ्ट साइड नेगेटिव आने का मतलब देखो क्या पूछ रहा है वो। अब आपने तो मोड वाला इनइक्वालिटी में पहली बार देख रहे होगे शायद, वैसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो अब नीचे वाली जो चीज है ये हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। मोड एक्स प्लस 4 में आप दुनिया का कोई भी नंबर पुट करोगे तो उसका आंसर तो हमेशा क्या आने, इसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला है। 0 कब आएगा, जब x को -4 पुट करोगे, पर जैसे ही x को नीचे -4 पुट कर दोगे तो -4 प्लस 4 कितना होता है 0, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0। तो आपको ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर 0 ना बने, डिनोमिनेटर ना 0 बने तो मतलब x की वैल्यू -4 तो आप नहीं रख सकते, पहली बात तो ये होगी। जब x की वैल्यू -4 नहीं रख रहे हो आप, इसको ध्यान में आपने, अब तो जब x को -4 को छोड़ के आप दुनिया का कोई भी नंबर पुट करोगे तो नीचे वाला नंबर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, नीचे वाला नंबर नेगेटिव भी नहीं होगा 0 भी नहीं होगा, क्योंकि आप पहले बोल चुके हो x को -4 नहीं पुट कर रहे, आंसर में कभी -4 को नहीं कंसीडर करोगे। तो इसकी डोमेन स्पेसिफाई कर दी, डोमेन मतलब लेफ्ट साइड को डिफाइन कर दिया, लेफ्ट साइड डिफाइन कब होगी, जब x -4 नहीं होगा, जब x -4 नहीं होगा तो नीचे वाली चीज तो पॉजिटिव हो चुकी है। अब मैं नीचे वाली चीज को इधर लेके जा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि गारंटी है कि नीचे पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जब मैंने सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा भाई, मैंने फिर बता रहा हूँ इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर पाया, इस चीज को मानते हुए, तो आंसर मैं -4 को कंसिडर नहीं करूंगा। तो इतनी सी बात आ गई। अब देखो जब मैं इस चीज को यहाँ पे ले गया, ये तो जाके 0 बन गया, लेफ्ट साइड ये रहेगी, इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया तो इसके फैक्टर बने तो ये क्या बन गया, x प्लस 7 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। इसको वेवी कर्व से सोल्व किया, जब इसको सोल्व किया तो राइट मोस्ट पॉजिटिव आएगा, पहला नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आना चाहिए था -7 से 1। अब ध्यान से देखो, -7 से लेके 1 के बीच में 4 आ रहा है क्या, -7 से लेके 1 के बीच में 4 नहीं आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे, x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -7 से लेके 1। इंटरसेक्शन तो क्या है, इंटरसेक्शन तो यही लेना ना कि -4 नहीं आना चाहिए आंसर में, -4 तो आ ही नहीं रहा, सॉरी -4 था, एक सेकंड मेरे को लगा 4 है, एक सेकंड गलती हो गई, एक सेकंड, हाँ मुझे आंसर में क्या नहीं रखना था, -4,
तो अपना माइनस सेवन से लेके वन तक आंसर आया, पर ध्यान से रखो माइनस सेवन से लेके वन के बीच में तो क्या आता है, माइनस फोर भी आता है, पर माइनस फोर को नहीं रखना। तो इस माइनस सेवन कोमा वन में से आप कौन सा नंबर हटा दोगे, माइनस फोर हटा दोगे, तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, माइनस सेवन से लेके माइनस फोर भी लिख सकते हो, साथ में क्या लिख सकते हो, यूनियन माइनस फोर से लेके वन, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ये भी का ठीक है लिखने का, नोट्स सुन लो तो ध्यान से ध्यान देना, यहाँ पे माइनस नहीं है नोट्स के अंदर, माइनस आएगा, ठीक है, वीडियो चेक कर लेना। अभी सिक्स वाला तो तुमने मुझे बताया नहीं था, इधर कैसे मैं बताऊं, अभी मेरे पास है ही नहीं वो, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस फ्राइडे रात को 10 बजे तक मिलने चाहिए, तभी वो मेरी फाइल बनेगी जो आपसे डिस्कस कर सकूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं पेन पेपर या बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास मटेरियल ऑलरेडी होना चाहिए बना हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो मेरे को मटेरियल पहले बनाना पड़ता है जब आप मुझे देते हो, ठीक है। अगली बार से ध्यान रखना, फ्राइडे रात को 10 बजे तक आपको मेरे को क्वेश्चन भेजने, ठीक, मतलब तो जो 10 बजे के बाद भेजेगा एंटरटेन ही नहीं करूंगा क्वेश्चन को, आप ये रूल बना लो फ्राइडे रात को 10 बजे तक। अच्छा मैं काम करते हैं, मैं फाइल भेजूंगा, इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे खुद से, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना खुद से, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कह रहे कि ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और कौन कौन से होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए, एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों से, उसका होमवर्क में दो पार्ट और हो जाएंगे, एक क्वेश्चन में डिस्कस ये वाला करते हैं। ये देखो सोल्व फॉर एक्स, कह रहे एक्स की वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इस तरह के क्वेश्चन करने को तरीका बहुत ही सिंपल है। देखो दो अलग अलग मॉडुलस फंक्शन दे रखे हैं, एक मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, एक मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स बनाओगे, एक क्रिटिकल पॉइंट बनाया मैंने वन, एक क्रिटिकल पॉइंट बनाया थ्री। क्रिटिकल पॉइंट होगा जब ये अंदर वाली चीज जीरो हो रही होगी, जब ये अंदर वाली चीज जीरो हो रही होगी, एक पॉइंट आ गया वन, एक पॉइंट आ गया थ्री। अब आप लोग क्या काम करोगे, बहुत ही सिंपल सा काम करोगे, तीन केस बनाओगे क्योंकि नंबर लाइन तीन हिस्सों में डिवाइड हुई है, कौन कौन से हिस्से डिवाइड हुए, एक तीन के इस साइड, एक एक से लेके तीन के बीच में, और एक वन से लेफ्ट साइड। अब खुद ही बताओ तीन हिस्से बने हैं, तो मैं एक देख रहा हूँ तीन और तीन से बड़े वाला, जब x की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी होगी। अब ध्यान से देखो इस मोड के अंदर जब x की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी पुट करोगे तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो या जीरो से बड़ी हो रही है। जब भी x की वैल्यू यहाँ पर आपने तीन या तीन से बड़ी पुट करी तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी एक पॉजिटिव है। आपने मोड में पढ़ा होगा कि मोड ऑफ x आप एज इट इज x लिख देते हो, मोड ऑफ x को एज इट इज x लिख देते हो जब मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होती है। तो मैंने बोला जब x को तीन या तीन से बड़ा पुट किया तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी है वो जीरो या जीरो से बड़ी हो रही है, तो इसको एज इट इज बोल दूंगा। सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी है तो ये क्वांटिटी भी तीन, ये भी क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, क्योंकि तीन से बड़ा पुट करोगे तो ये भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दोनों का मोड हम ऐसे ही खोल देंगे प्लस साइन के साथ, ये आ गया एक्स माइनस वन और ये आ गया एक्स माइनस से इक्वल टू फाइव। इसको सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू क्या आई, नाइन बाई टू। अब बात देखो ध्यान से, हमने बोला था एक्स की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी होगी तभी इसी का मोड हटेगा और आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख पाओगे, और जब आप ऐसे लिख पाए तो आंसर आ गया x की वैल्यू 9 बाई टू। अब आपको क्या चेक करना है, आपने इस इक्वेशन को लिखा था इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आपको आंसर क्या मिल रहा है, 9 बाई टू। तो जो भी आंसर आएगा आपको चेक करना है क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, x की वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है क्या आंसर में, आंसर क्या आ रहा है 9 बाई टू विच इज 0.5 और 4.5 इज ग्रेटर देन 3, तो x इक्वल टू 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। जब भी x की वैल्यू आप 3 या 3 से बड़ी पुट करोगे तो आंसर क्या है, मतलब कह रहे कि x की वैल्यू जब तीन या तीन से बड़ी पुट करते हो तो आंसर क्या निकल के आता है, 4.5। इस टाइप का भी कराया नहीं, मैं फिर भी करा रहा हूँ आप लोगों को, टाइम था मेरे पास तो एक आधा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद आपकी क्लास में भी होगा ये क्वेश्चन, फिर भी देखो। तो केस बनाओगे तीन या तीन से बड़ी तो एक्स इक्वल टू 9/2। सिमिलरली आप दूसरा केस बनाओगे तीन और एक के बीच में, जब x की वैल्यू तीन और एक से बीच में रखोगे तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी और ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। इसको आप एज इट इज खोल दोगे और इसको माइनस साइन के साथ खोलोगे, क्योंकि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो रही है, नेगेटिव। जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में पुट कर रहे हो
ये वाला अंदर अंदर जो नंबर बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। एक काम करो, इस टॉपिक को रहने दो, क्योंकि अभी इस तरह के क्वेश्चन क्लास में हुए नहीं आपके, तो बेटर ही जब ये क्लास में टॉपिक हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तभी बेटर रहेगा इसको समझाना। तो इस टॉपिक को भी रहने दो, मुझे लगा नहीं था कि हुआ है, अभी चैट पे मुझे किसी ने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन हुए नहीं, इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो जितना लोगों ने मुझे डाउट भेजा था उतना मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन अभी हुए नहीं तो अभी रहने देते हैं, बाकी ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना, फिर भी कोई डाउट आया तो मुझे मैं करना चैट व्हाट्सएप पे, आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगा उस पर भी, ठीक। एक बार चैट पे मुझे बता दो कितना समझ आया आप लोगों को, यस नो लिख दो, या फिर से वही मैं रेटिंग पूछता हूँ हमेशा, जिससे मुझे पता चले अगली बार और अच्छे से समझाया जाए चीज़ को। तो 10 में से 0 मतलब कुछ भी ना समझ आया, बहुत ही बेकार था, 10 में से 10 मतलब अच्छे से समझ आ गया, अच्छा लगा। बीच में कोई भी पॉइंट देना है वो आप दो, ताकि नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से समझा सकें चीज़ों को।